टोटल मिलके अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन किलोमीटर चेक करो यार गाड़ी के, और 31,000 किलोमीटर अबव चल चुके हैं और गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू था 30,000 किलोमीटर पे। मतलब गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कशा सगळे मजेत ना? आई होप एवरीवन इज डूइंग जस्ट ग्रेट। आज हम लोग इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं सीधा गाड़ी में से, क्योंकि हम लोग हो चुके हैं बहुत ज्यादा लेट। अपन जा रहे हैं आज अपने एक्सएल 6 की सर्विसिंग के लिए। एक्सएल 6 ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर अबव चल चुके हैं और गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू था 30,000 किलोमीटर पे। मतलब 30,000 किलोमीटर पे गाड़ी का सर्विसिंग ड्यू था और गाड़ी ऑलमोस्ट 1,000 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है। सो हम लोग ने अपॉइंटमेंट बुक की थी, अपॉइंटमेंट इन द सेंस गैरेज तो अपना ही है, फिर भी फोन करके तो पूछना पड़ता है ना। आज संडे है तो गाड़ियों की रश वगैरह रहती है। सो हम लोग ने अपॉइंटमेंट बुक की थी अभी 11 बजे की, बट एज ऑलवेज 12:15 बज चुके हैं, बट हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। सो गाड़ी आपको मैं किलोमीटर्स बाद में दिखाता हूँ। गाड़ी में आज क्या क्या काम होगा वो आपको मैं एक हल्की सी एक ट्रेलर दे दूँ, एक हल्का सा आपको एक झलक दे दूँ। गाड़ी में बेसिकली सर्विसिंग में जो होता है इंजन और एयर फिल्टर, अपना एसी फिल्टर, वो सब चेंज होगा। बट इस टाइम गाड़ी के ब्रेक पैड्स चेंज होंगे, गाड़ी के पीछे लाइनर्स भी चेंज हो गए आई गेस। और देखते हैं कैसे क्या उनका क्या बचे है कि नहीं, कि पूरे खत्म हो गए। अगर खत्म हुए रहेंगे तो चेंज हो गए, अगर बचे रहेंगे तो देखेंगे कितने किलोमीटर चल पाएंगे, वो तो अपन एस्टिमेट निकाल ही लेंगे। उसके बाद कूलेंट भी चेक करेंगे कैसे क्या रहता है। बेसिकली सर्विसिंग में ये वाली मेजर रहेगी, क्योंकि इसमें ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज होंगे, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट शोरूम से जो लग के आए हैं गाड़ी में ब्रेक पैड्स, वो अभी तक आज तक चेंज नहीं हुए। ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल भी आज तक चेंज नहीं हुआ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी वाली सर्विसिंग है गाड़ी का। क्या है बाबा, गाड़ी को प्रॉपर पैम्परिंग चाहिए। गाड़ी की आप इज्जत करोगे, गाड़ी की आप टेक केयर करोगे तो गाड़ी आपकी टेक केयर करेगी, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट, पहुंचते हैं गैरेज। गैरेज अपने घर से लंबा कुछ है नहीं। मैं रफीक भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लोकेशन तो आपको पता ही है, पलसपा फाटा स्टार मोटर्स के सामने। फिर भी मैं एक बार एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रफीक भाई के नंबर के साथ। किलोमीटर चेक करो यार गाड़ी के, ऑलमोस्ट 31,210 किलोमीटर हो चुके हैं। सो वॉइस चेक दिस आउट, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गैरेज, वर्कशॉप बोल लो अपना, काम जहाँ पे होगा। ये स्टार मोटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है अपना वर्कशॉप। गाइस चेक दिस आउट, अपने गाड़ी का काम हो चुका है पूरा फुल पावर। मैं आपको बिल कितना क्या कुछ अमाउंट हुआ वो मैं घर पे चल के बताता हूँ। सो गाइस चेक दिस आउट, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बिल्डिंग के नीचे और लेट मी शो यू द बिल्स। जो कुछ भी अपन ने स्पेयर पार्ट लिए, लेबर दिया, वो सबके बिल्स यहाँ पे है। तो फर्स्टली मैं आपको पार्ट्स का बता देता हूँ। ये वाला पार्ट्स का नहीं है, पार्ट्स का कौन सा है? सो हाँ नहीं, ये भी नहीं कहाँ गया रे, यहाँ पे हाँ दिस वन, ये वाला है अपना स्टार मोटर्स का जो स्पेयर पार्ट्स हम लोग ने लिए। इसमें है क्या क्या है, इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, एसी फिल्टर है, फिर चेंबर बोल्ट है जो ख़राब हो चुका था। चेंबर बोल्ट मींस जो अपन इंजन ऑयल जहाँ से नीचे से ड्रेन करते हैं ना, वहाँ पे एक बोल्ट रहता है, तो वो ये चेंबर बोल्ट है। और ब्रेक पैड, फिर वो पॉलिश पेपर, वो सब यहाँ पे हम लोग ने जो स्पेयर पार्ट लगा था अपने गाड़ी के लिए, उसका कॉस्ट है अराउंड 6,859, 3,500 के ब्रेक पैड्स ओरिजिनल, सब पार्ट्स जेन्युइन सुजुकी के लगाए, इंजन ऑयल को छोड़ के। इंजन ऑयल हम लोग ने यूज़ किया कैस्ट्रॉल का, बट बाकी जो सारे पार्ट्स है
वो पूरे सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स है हम लोग ने यूज किए। उसके बाद लेट्स कम टू द डिस्क, दोनों डिस्क पॉलिश किए हम लोग ने, क्योंकि ध्यान रखना कभी भी ब्रेकिंग करते वक्त अगर गाड़ी आपकी या फिर स्टेयरिंग पे आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है ना ब्रेकिंग करते वक्त, तो समझ लेना कि आपके डिस्क थोड़े से घस चुके हैं, उसको पॉलिश करना पड़ता है, थोड़े से उनकी लेवल जाती है ना, तो उसके वजह से ब्रेकिंग के टाइम गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट होती है, गाड़ी नहीं बोल सकते, स्टेयरिंग पे आपको ज़्यादा फील होगा वो वाइब्रेशन। तो समझ लेना कि आपको डिस्क पॉलिश करना है, तो डिस्क के पॉलिश के अराउंड 400 रुपीज़ हम लोग को कॉस्ट पड़ा है। उसके बाद जो राहुल भाई अपने थे, रफीक भाई इस टाइम नहीं थे, राहुल था, सो राहुल ने उनका चार्ज कुछ तो 800 रुपीज़ उनका लेबर चार्ज लगाया। उसके बाद गाड़ी का टोटल सॉरी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट किया हम लोग ने, उसका 550 रुपीज़ कुछ तो कॉस्ट आया। टोटल मिलके अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। सो गाइज ये रहा कैलकुलेशन, 8,609 रुपीज़ गाड़ी, इसमें वॉशिंग वगैरह नहीं हुई है, वॉशिंग के एडिशनल ऐड कर दो यार, मतलब 400 रुपीज़, तो 9,000 मतलब 9,000 रुपीज़ में, 9,000 रुपये में हम लोग की गाड़ी की पूरी कंप्लीट सर्विसिंग हो गई। इसमें ब्रेक पैड्स आई थिंक थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली है, बट ठीक है यार, जेन्युइन है, आराम से 30,000-35,000 किलोमीटर चल जाते, सो कुछ प्रॉब्लम है नहीं ब्रेक पैड्स का, रहने दो 3,500। ये है बाहर का कॉस्ट, जो मैंने बाहर से अपना काम किया है वो ये सब कॉस्ट निकल के आया है। सो हालत देख लो क्या हो गई है, गाड़ी एकदम मस्त मक्खन चल रही है, गाड़ी बहुत सही चल रही है। अभी गाड़ी में एक गियर ऑयल भी अपना थोड़ा सा कम हुआ था, पर रिन्यू किया था, थोड़ा सा ऐड किया था, टॉप अप किया था सॉरी, बट अभी गाड़ी का परफॉर्मेंस एक नंबर, ब्रेक्स वगैरह एक नंबर, अभी भी गाड़ी चालू है, बट आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ियाँ बहुत साइलेंट रहती है, गाड़ी बहुत साइलेंट हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका ऑयल भी ऑलमोस्ट जा चुका था, और एयर फिल्टर, एसी भी मस्त हो गई, एसी फिल्टर भी नया है, सो एसी भी एकदम मस्त हो गई। मैंने गैस वगैरह टॉप अप नहीं किया है, गैस वगैरह रिफिल नहीं किया है मैंने एसी का, फिर भी एसी इज़ वर्किंग गुड। सो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज प्रथम डब्ल्यूएटवेट साइनिंग ऑफ, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, तब तक के लिए राइड सेफ एंड बी सेफ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।